हे एवरीवन, आपको देवठानी काशी की और तुलसा जी के विवाह की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज जो है मैं जा रही हूँ सामने भाभी के यहाँ पे। तो आज का व्लॉग पूरा जो होगा सारा भाभी घर पे ही है। तो ये देखिए, ये चावल के आटे, चावल को पीस के उस तरह से इसको डेकोरेट किया जाता है। ये देखिए पूरा इस तरह से, यानी कि इसमें क्या होता है, देवी देवताओं का स्वागत किया जाता है अपने घर में विराजने के लिए। ये देखिए, तो जो भी आप जो हमारे यहाँ जो भी चौखट वगैरह होते हैं, ये सब यहाँ पे ऐसे डेकोरेट किया जाता है देवी देवताओं का, उनके चरण वगैरह सब बनाए जाते हैं। तो आज हम करेंगे यहाँ पे तुलसा जी का विवाह। तो उसी के उपलक्ष्य में मैं यहाँ पे भाभी के यहाँ पे व्लॉग बनाऊंगी, सारा शूट करूंगी। तो ये देखिए, ये है सारा इस तरह से डेकोरेट कर रखा है। इसको शायद सीता चौक बोलते हैं, मुझे पक्का कंफर्म नहीं है। तो चलिए आगे आगे देखिए मेरा छोटा सा आज का मिनी व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज बताइएगा जरूर। हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हिंदी व्लॉगर जया। कैसे हैं सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। और आज है देवठान काशी, तो आप सबको देवठान काशी की तुलसा विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी जो है टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं। तो आज मेरा, देखिए आपको घर थोड़ा चेंज चेंज लग रहा होगा हमारा घर। तो देखिए, क्योंकि आज मैं हूँ भाभी के यहाँ पे, मेरा घर है सामने और मैं भाभी के यहाँ पे हूँ। और आज मैं जो भाभी के यहाँ पे बनाऊंगी प्रसाद, तुलसा विवाह है। तो आज मैं, भाभी थोड़ा बीपी वगैरह लो है, उनकी तबीयत खराब है, तो आज भाभी नहीं बनाएंगी। तो मैं आज बनाऊंगी सारा प्रसाद तुलसा विवाह का, फिर आज वो सब मैं बनाऊंगी। जो प्रसाद बनता है, एक शकरगंदी का हलवा बनता है और आलू का हलवा बनता है। तो शकरगंदी का तो मुझे पता नहीं बनाया है, बनेगा या नहीं, बट आलू उबाले हैं तो आलू का हलवा बनेगा। तो चलिए, छोटा सा व्लॉग होगा ये, 3-4 मिनट का, ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं होगा। तो फटाफट चलिए शेयर करते हैं आपके साथ, और बताइएगा ज़रूर कि आप सबके यहाँ तुलसा विवाह कैसे होता है। तो मैंने अभी दिखाया आपको सारा, भाभी ने डेकोरेट कर रखा है। ये सब चावल को भिगो के उसको पीस के बनाते हैं। और जब पीछे मैंने आपको बरांडे में दिखाया, मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी, बहुत छोटी है हमारी बालकनी। तो जो बालकनी में है, इसको बोलते हैं सीता चौक ना। ये देखिए, जो ये बना हुआ है इसको बोलते हैं सीता चौक। और तुलसा जी रखी जाएंगी यहाँ पे, तुलसा जी रखेंगे यहाँ पे मंदिर में, ये मंदिर का कपाट है। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं हलवा। भाभी को देखिए, आज उनका फास्ट भी है, मैं तो खा पी के खैर मत वो हूँ, भाभी का फास्ट भी है। शक्ल देखिए ऐसे तरह, आंखों में गड्ढे तक पड़ गए इनके, देखिए कितने डार्क सर्कल हो रहे हैं, गड्ढे पड़ गए व्रत रह रहे के। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं आलू का हलवा। आलू ही बनेगा ना खाली, और शकरगंदी का नहीं? हाँ तो मेहनत करेगी, नहीं कर दूंगी कोई नहीं, थोड़ा फल। देखा होगा पहले हीरो होते थे ऐसे, जब विलन होते थे उनके ऐसे लोहे के हाथ होते थे, है ना, आगे कांटा लगा होता था। आज भाभी ने वही किया, जल्दी पुराने टाइम में जो विलन होते थे पुरानी मूवी में, ऐसे लोहे के हाथ वाले नहीं निकल तो सही होता है, गर्म नहीं लगता ना। सही हो गया, लोहे का क्या चाहिए, सही है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं आलू का हलवा। तो देखिए, कढ़ाई के अंदर घी डाल लिया है और घी के अंदर आलू डाल देंगे। तो आलू को जो हमने पहले अच्छे से भूनना है, तो सारे आलू जितने भी आपको क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बनाना है ऐसे हलवा बनाइए, हमने तो थोड़ा सा बनाया था। और ये देखिए, इस तरह से इसको चला देंगे। अभी घी बहुत ज़्यादा लग रहा है, कुछ टाइम में क्या होगा, हलवा घी जो आलू है वो सारा घी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे, तो बहुत ही कम घी बचेगा, घी बचेगा ही नहीं। और जितना ज़्यादा हलवे को भूनेंगे हम, जितना लाल करेंगे आलू को, उतना ही हलवा बढ़िया बनेगा खाने में, उतना ही टेस्ट लगेगा। तो आप जितना चाहे अपना, जितना आपको करारा मतलब भूल हलवा जितना रेड होगा उतना बढ़िया लगता है टेस्टी खाने में। और ये देखिए, हमारा हलवा बनके तैयार है। क्योंकि चीनी डालनी थी उस टाइम पे, क्या था मेरी शायद वीडियो पॉज जा गई थी, तो चीनी वाली वीडियो बन नहीं पाई। ये देखिए हलवा हमारा बन गया है, ये देखिए, और घी भी कितना सा रहेगा जरा सा। तो अब हम निकाल लेंगे माता के भोग के लिए चीनी, सॉरी माता के भोग के लिए ये निकाल ली है केले। और तो और अब ये लगा लिए हमने थाली, थाली में जो भी प्रसाद बनाना था, इसमें शकरकंदी का प्रसाद और बनता हलवा वो बनाया नहीं था, फ्रूट्स मंगा लेते उसकी जगह। तो केले, सिंगाड़े और आलू का हलवा, और जो गन्ने होते हैं वो मेन होते हैं मंडप सजाने के लिए, और फूलमाला। तो जो जो भी, जबकि सबके अपना अलग कल्चर होता है, जैसे जो भी करता है। तो ये देखिए, यहाँ पे ले लिया है गमला तुलसा जी का, और इसको अब हम यहाँ पे, ये जो चौकी रखी है इसके ऊपर मैं इसको गमले को डेकोरेट कर देंगे। तो पहले, सबसे पहले हम जो है
चाक पूरेंगे। चाक को हम सिंदूर, आटे से नहीं सिंदूर से हम लोग जो है चाक पूरेंगे, यहाँ पे चौकी पे रखेंगे। तो ये देखिए तुलसा जी रख दी उठा के नीचे, अब सिंदूर से चाक पूरेंगे। लेकिन बट क्या हुआ, जब मैंने ये चाक वगैरह की वीडियो बनाई उस टाइम फोन नायशा के हाथ में था, वो मेरे को लग रहा है शायद वीडियो पॉज ही रह गई और ये कुछ वीडियो बनी ही नहीं हमारी। तो ये देखिए हमने तुलसा जी का कर दिया है श्रृंगार। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं तुलसा जी, सच में बहुत सुंदर लग रही थी। तो यही था, तो बस जितना हुआ माता भूल चूक माफ करे, जितना हुआ उतना किया। और मैं तो खैर फर्स्ट टाइम पूजा किया है, भाभी करती है हमेशा, मैं नहीं करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा श्रृंगार कर दिया है माता को, जो भी सुहाग का सामान सब चढ़ा दिया था, सिंदूर वगैरह चूड़ी बिंदी सब कुछ। दो जोत और तैयार करो। कितनी जोत 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 जो पा के दिमाग कर। दो जोत और जगह बाहर चला जाता। तेरी मम्मी का पूजा पूरा पूजा करना चाहिए, तेरी मम्मी का। आज बहुत धार्मिक हूँ, आज मैं डिस्काउंट नहीं करेगा। तो हो गई है आज मैंने भाभी क्या फर्स्ट टाइम तुलसी जी की पूजा की है। और ये नाशा टेक रही है मत्था। भाई मम्मी हाथ मसाले नहीं हो रहे घी से बिल्कुल ही। मैं भी ऐसे ही प्रणाम कर लेती हूँ हे माता रानी। तो बताइएगा जरूर हमारे तुलसा माता को, देखे हमने सजा धजा दिया, बिल्कुल सजा दिया इनका श्रृंगार। इनको कल सुबह लगाएंगी भाभी सिंदूर, मतलब मैं ही लगाऊंगी, भाभी तो खैर क्या लगाएंगी। मैं कल सुबह आऊंगी नहा वहा के जल्दी से, बच्चों को स्कूल भेजने का, फिर सिंदूर वगैरह लगा देंगे इनको और फिर यहाँ पे सारा हो जाएगा। तो ये तो फ्रेंड्स आज का छोटा सा ब्लॉग ब्लॉग आई होप अच्छा लगा होगा आपको। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। हैप्पी हैप्पी तुलसा विवाह देवथान काशी। आज से सभी के विवाह स्टार्ट हो गए हैं, सभी को अपने विवाह की पहले से ही शुभकामनाएं। तो चलिए बाय बाय। हाँ गुड नाइट।